वेलकम टू प्रॉपर्टी वन ऑफ ए न्यू किंग्स लेन हाउसिंग सोसाइटी का जी आज मैं आपको विजिट करवाऊंगा, जो कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये भैनी रोड से आ रहा है और इसके ऑपोजिट साइड पे देखें तो ये तेजगढ़ रोड से ये रास्ता आ रहा है। न्यू किंग्स लेन हाउसिंग सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज आपको एक सिंसेयर ओपिनियन दूंगा। उसके अलावा यहाँ की जो डिवेलपमेंट अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जी, ये सोसाइटी के एंटर होते सार जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये ओल्ड किंग्स लेन है। इस सोसाइटी के अंदर आके सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन होती है वो ओल्ड किंग लेन और न्यू किंग्स लेन की होती है। आपको बताता चलूं कि ओल्ड किंग्स लेन अलगनी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है और न्यू किंग्स लेन हसन जवार डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, और इन दोनों की डेवलपमेंट प्रोसीजर क्राइटेरिया सब कुछ अलग अलग है। इस टाइम जो ये रोड आप देख रहे हैं जी, सामने क्लॉक के पास जा रहा है, क्लॉक टावर के पास, और ये यहाँ से आ रहा है, ये 100 फुट का रोड है, और ये जो 100 फुट का रोड यहाँ तक आ रहा है, इसके थोड़ा सा आगे जाके ओल्ड किंग्स लेन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद न्यू किंग्स लेन स्टार्ट होता है। अगर मैं इसकी डेवलपमेंट की बात करूँ तो न्यू किंग्स लेन की डेवलपमेंट ओल्ड किंग्स लेन की नस्बत बहुत बेहतर है। यहाँ पे 6 माह के अंदर अंदर जी आपको पोजेशन डिलीवर किया जाएगा। अगर आप यहाँ से 4 से 5 माह पहले आपने यहाँ पे विजिट किया हो तो आप देख सकते थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। रोड मैपिंग कर दी गई है और यहाँ पे बैलेटिंग वगैरह जोन्स की है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। पाम ट्रीज आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत हैं। जो मिट्टी वाले रोड होते हैं वहाँ पे इस तरह के लुक निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हसन जवार डेवलपर्स ने न्यू किंग्स लेन के अंदर इस लुक को निकाल दिया है। यहाँ पे वाइड रोड रखे गए हैं, कमर्शियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रेजिडेंशियल यहाँ आपको मिल जाएगा, और यहाँ पोजेशन में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर इसके फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ इसकी बिल्कुल बैक साइड पे चहार बाग फेज़ 1 है, जिसका 200 फुट का रोड न्यू किंग्स लेन को टच करता हुआ BRB तक जाएगा। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये चहार बाग फेज़ 1 है और यहाँ से ये जो रोड है 200 फुट का न्यू किंग्स लेन को टच करता हुआ आगे BRB तक जाएगा। अगर प्रॉपर अगर मैं बात करूँ सिंपली तो ये BRB से लेके एक रावी तक एक रोड जाएगा जो 200 फुट का होगा, चहार बाग फेज़ 1 और फेज़ 2 को टच करता हुआ। चहार बाग फेज़ 2 और फेज़ 1 के बिल्कुल बीचों बीच आपको न्यू किंग्स लेन मिलता है, जिसके अंदर से रोड गुजरेगा और इसकी अभी ये ग्रीन बेल्ट में है, लेकिन आगे जाके आपको ये सिल्वर बल्कि गोल्ड में नज़र आएगी। इस जगह की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। TMA से जी अप्रूव ये सोसाइटी है, TMA का रिसेंटली अप्रूवल इनको मिल गया, जो आपके सामने शो भी हो रहा है। और एक चीज़ दोबारा से क्लेरिफाई मैं करना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ प्लॉट खरीदते हैं तो आप बात करते हैं कि ओल्ड किंग्स लेन जो है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई और वहाँ पर इशूज़ आ रहे हैं। ओल्ड किंग्स लेन अलगनी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है और न्यू किंग्स लेन हसन जवार डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। ये दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग हैं और होपफुली इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें आगे देखने को भी मिलेगा। न्यू किंग्स लेन की जी 24/7 यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और इनकी जो प्रोजेक्ट है और मैपिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त की गई है, और यहाँ पर जो डिवेलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छी है। अभी जितनी भी आपने डेवलपमेंट देखी है वो चंद दिनों के अंदर अंदर हुई है। यहाँ पे अगर बात करूँ बिल्कुल नियर बाय, सबसे पहले अगर GT रोड की बात करूँ तो वो आपको 4 किलोमीटर की दूरी पे मिलता है, जो टोटल 12 मिनट का ऑलमोस्ट रास्ता बनता है। और अगर आप बात करें डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन की, वो तकरीबन आपको 5.5 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से मिल जाता है। जब यहाँ पे 200 फुट का रोड इस सोसाइटी को क्रॉस कर जाएगा तो आप कह सकते हैं एक ज़मीनी रिंग रोड है। ये जो आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है जी, ये ओल्ड किंग्स लेन है और इसके आगे न्यू किंग्स लेन था। ये सामने न्यू किंग्स लेन था और अब इस टाइम जहाँ पे करंटली मैं मौजूद हूँ ये ओल्ड किंग्स लेन है। बात करूँगा जी अब न्यू किंग्स लेन के पेमेंट प्लान की। न्यू किंग्स लेन के अंदर आपको 3 मरला 5 मरला, उसके अलावा 2 मरला जो उनसे कमर्शियल मिलता है, 4 मरला कमर्शियल मिलता है। पेमेंट प्लान, मंथली इंस्टॉलमेंट, 6th इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट, सारी डिटेल्स जो सी है जी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। आप स्क्रीन को रोक के आराम से इसका पेमेंट प्लान देख सकते हैं। इस टाइम आप कह सकते हैं जी लो बजट सोसाइटीज़ में जो सी है एक ये सोसाइटी आती है, लेकिन लो बजट के अंदर एक आपको अच्छी चीज़ ऑफर की जा रही है जो कि आने वाले वक्तों में बहुत बेहतरीन आपको रिस्पॉन्स देगी। और इसका जो रोड है बहुत वाइड रखे गए हैं, उसके अलावा जो चहार बाग का रोड इधर से गुजरेगा 200 फुट का, वो इस सोसाइटी की आने वाले वक्तों में रेट को और हर चीज़ को बदल देगा। सोसाइटी जी सारी मैंने आपको विजिट करवाई है, यहाँ पे आप प्लॉट परचेज़ करने के लिए मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपके सामने मेरा शो हो रहा है। इसके अलावा मज़ीद किसी सोसाइटी का विजिट आप करवाना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।